तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कलाम हमारा बाकायदा शूट उसकी जो है वो स्टार्ट हो गई और इसका जो फर्स्ट टेक है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शूट हुआ। टोटल हमने 3 टेक्स लिए थे, उनमें से ये फर्स्ट टेक है। जमील भाई क्या कहते हैं, इस तरफ शॉट अच्छा रहेगा? जी बस वही चेक कर रहे हैं अभी, फाइनल क्लोजअप यहाँ बेहतर रहेगा या क्या? यहाँ अभी वाइड एंगल से अभी लेंगे शॉट, वाइड एंगल से लेंगे। अच्छा गिम्बल कम से कम कितने तक का आ जाता है? अच्छा मेरे बहुत से फॉलोवर्स हैं, उनका एक सवाल होगा, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे ही पूछ लूँ कि भाई आप कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं, मॉडल क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मेरा नाम है मोहम्मद जावेद अली और आप देख रहे हैं JAQ स्टूडियो व्लॉग्स। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम आपको रिसेंटली मेरे जो 2 कलाम अपलोड हुए, उम्मीद करता हूं आपने देखे होंगे, एक 13 रजब के हवाले से था और एक 27 रजब के हवाले से था, तो उन 2 कलाम्स का शूट किस तरह हुआ, हम कौन सी हमने लोकेशन की, कौन से कैमरा से शूट किया, बहुत सारी मालूमात जो है वो आपको आज के इस व्लॉग में मिलने वाली है। वो 2 कलाम कौन से थे, आइए उनके शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं। दिल चीर के काबाबी क्या जौक में आया है, दिल चीर के काबाबी क्या जौक में आया है, वाले आका मन में बसाऊं तो से प्रीत लगाऊं, प्रीत लगाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं। तो ये जो 2 कलाम आपने देखे ये बेसिकली एक ही लोकेशन पे शूट हुए और एक ही दिन में शूट हुए। जी हाँ, एक ही दिन में शूट हुए और एक ही लोकेशन में शूट हुए। तो आप सोच रहे होंगे कि यार दोनों कलाम हमने देखे, इनके बैकग्राउंड्स को देख के तो हमें तो नहीं लगता कि इनकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट रही होगी। तो इसका आंसर है कि भाई देखें, अगर आपको वक्त बचाना हो तो आप इस तरह की टेक्निक यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पार्क था यानी लोकेशन थी जिसपे हमने शूट किया, इसका एक हिस्सा था पथरीला, यानी वहां पर एक खूबसूरत से माउंटेन्स बने हुए थे, पत्थर बने हुए थे, पहाड़ टाइप की कुछ चीजें बनी हुई थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपना पूरा का पूरा एक कलाम इसी लोकेशन को फॉलो करते हुए पूरा शूट करेंगे। और जो दूसरी लोकेशन थी यानी जो दूसरा कलाम हमारा है, उसमें हमने कोशिश की कि जो इसका लॉबी एरिया है, जो इसका खुला ग्राउंड है जिसमें कुछ सब्ज पत्ते वगैरह भी थे और कुछ पौधे वगैरह भी खूबसूरत से लगे हुए थे, तो हमने डिसाइड किया कि जो दूसरा कलाम है वो हम इन्हीं लोकेशंस को यूज करते हुए शूट करेंगे। तो इस तरह हमने एक ही दिन में 2 कलाम शूट कर लिए। आज के इस व्लॉग में ना सिर्फ आपको इन शूट्स के हवाले से बताया जाएगा बल्कि हमने कौन सा कैमरा यूज किया, हमने गिम्बल वगैरह अगर आपने लेना हो तो उस हवाले से भी कुछ टिप्स थी, यानी जो मेरा शॉट ले रहे थे हमारे करीम रजा भाई, तो उनसे बाकायदा मैंने पूछा कि भाई अगर किसी ने कैमरा लेना हो तो वो कितनी रेंज का ले सकते हैं, मॉडल्स वगैरह क्या हो सकते हैं, यानी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल JAQ स्टूडियो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ये चैनल जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के कॉन्टेंट लाता है, कि इस तरह के कॉन्टेंट उम्मीद करता हूँ आपको यूट्यूब में और कहीं जगह से नहीं मिलेंगे। तो भाई जल्दी से जाए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया तो फिर ये आपने नाइंसाफी की कमेंट सेशन से कमेंट भी लाजमी कर दें। और अगर ये 2 कलाम अगर आप मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद वो कलाम भी देखिएगा और उनको भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी जनाब, निकल चुके हैं हम शूट के लिए और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सूरज अभी हल्का हल्का निकला है और रोशनी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। ये बेस्ट टाइम होता है वीडियो शूट के लिए और आज हमने डिसाइड किया है कि 2 कलाम शूट करने वाले हैं, इसीलिए हम इतना जल्दी निकले हैं। तो हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं करीम रजा भाई। अस्सलाम वालेकुम करीम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई। मुजम्मिल भाई बैठे हुए, हुज़ैफ़ा भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी करीम भाई, किस तरफ जा रहे हैं हम जरा बताएंगे? ये सरप्राइज है। चलें ठीक है, लोकेशन की तरफ पहुंच कर जो है वो आपसे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को और बताते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो हम शूट करने वाले हैं। जी जनाब, तो लोकेशन पे पहुंच चुके हैं इस वक्त, देख सकते हैं भाई बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ, सुबह सुबह का टाइम है और जो है ना वो मतलब थोड़ी थोड़ी सर्दी फील हो रही है और इस तरह मतलब पार्क्स में आना और खुली फिज़ा लेना तो मतलब मज़ा ही इसका अलग है। तो जनाब यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ का जो हिस्सा है वो पथरीला यानी पहाड़ टाइप का है और बहुत ही खूबसूरत मतलब ज़बरदस्त लुक आ रहा है। तो डिसाइड किया है कि जो फर्स्ट कलाम है यानी मनकबत मौला अली वो हम यहाँ शूट करने वाले हैं।
ठीक है, और जो सेकंड होगा उसके लिए देखते हैं ज़रा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कलाम हमारा बाकायदा शूट उसकी जो है वो स्टार्ट हो गई, और इसका जो फर्स्ट टेक है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शूट हुआ। टोटल हमने 3 टेक्स लिए थे, उनमें से ये फर्स्ट टेक है, और इसको शूट कर रहे थे हमारे मुजम्मिल भाई, उनके हाथ में कैमरा था और वो ये शूट कर रहे थे। अभी 2 टेक हमारे हो चुके हैं और ये 3रा टेक चल रहा है। इसके बाद हो सकता है मजीद इंसर्ट्स की ज़रूरत पड़े। ये आपको हम बिहाइंड द सीन दिखा रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर जो है वो दूसरे कलाम की शूट जो है वो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो मतलब ड्रेसिंग वगैरह इसकी थोड़ी चेंज कर ली, और इसमें जो है वो जिस तरह नॉर्मल मैं कैप्स वगैरह पहनता हूँ तो उसी ही जो है वो मतलब इसी गेटअप में ही हम कलाम जो है वो तैयार कर रहे हैं। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पहाड़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो आइए ज़रा पूछते हैं करीम भाई से, ठीक है, जो कि शूट कर रहे हैं हमारी। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी करीम भाई, इस कलाम के शॉट्स अब हम कहाँ पर लेंगे? इस कलाम के शॉट्स इंशाल्लाह ग्रीनरी साइड पे लेंगे, थोड़ा सा अच्छा। थोड़ा सा नेचुरल येलो ट्रीज है ना, इस तरफ लेंगे ताकि हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि ऑरेंज जोन पे जाना इंशाल्लाह, थोड़ा ऑरेंज जोन पे आ जाए। अच्छा, इसके अलावा करीम भाई एक बात बताएं यार, अभी थोड़ी थोड़ी धूप हो गई है ना, ठीक है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार धूप पे शूट नहीं करना चाहिए, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? धूप में भी शूट हो जाती है, बस जनाब सेटिंग के हिसाब से होती है, ठीक है। अच्छा, मेरे बहुत से फॉलोवर्स हैं, उनका एक सवाल होगा, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे ही पूछ लूँ कि भाई आप कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं, मॉडल क्या है? मेरा कैनन का कैमरा है और M50 Mark II, ठीक है। अच्छा, गिम्बल वगैरह यूज करना जरूरी होता है? करें तो अच्छा है, अभी इस दौर में तकरीबन गिम्बल से ही शॉट्स हो रहे हैं, ट्राइपॉड से कम ही हो रहे हैं। अच्छा, गिम्बल से ही कि आप मूव ऑन हो सकते हैं बिल्कुल, आप अगर आपको जो है ना चलने फिरने का भी शॉट लेना है और इस तरह के जो है ना अच्छे शॉट्स आ जाते हैं। सही। अच्छा, गिम्बल कम से कम कितने तक का आ जाता है, एक आइडिया दे दें? 50,000। अच्छा, ये पाकिस्तान के हिसाब से आप रेट बता रहे हैं, ठीक है, मिनिमम 50,000, ठीक है, बाकी लोग जो अपनी अपनी कंट्री से देख रहे हैं वो उस हिसाब से देख लेंगे। अच्छा, कोई कैमरा रिकमेंड करेंगे आप, कोई बेसिक कैमरा हो, यानी इतना भी ना हो कि बिल्कुल जो मतलब जिसको हम कहते हैं बस अच्छा क्वालिटी निकल आए थोड़ी बहुत? फोटोग्राफी के लिहाज से कैनन 6D मैंने बड़ा यूज करा और बहुत मुझे इस हवाले से पसंद भी है और अच्छे जो है ना रिजल्ट भी अच्छा है, और वीडियो के लिहाज से क्योंकि अगर आपको गिम्बल यूज़ करना है वैसे तो 6D भी अच्छा है, अगर गिम्बल यूज़ करना है तो जैसे M50 हो गया, अभी सोनी की तरफ अगर थोड़ा सा जाए या फिर निकॉन की तरफ जाए Z5 Z50 इस तरफ जाए तो वो ऑटो फोकस वगैरह उनका अच्छा है और तो गिम्बल में अच्छा शूट हो जाता है, और कलर वगैरह के लिहाज से भी बहुत प्यारा है, निकॉन सबसे बेस्ट है। अच्छा, कुछ और टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे कि भाई जैसे आप मिसाल के तौर पर अभी हम इस पार्क में आए तो सबसे पहले अगर हम किसी पार्क में जाते हैं शूट करने के लिए तो लोकेशंस कैसे आइडिया दें? लोग जाहिर है सवाल पूछते हैं कि यार हमें आइडिया नहीं होता कि शॉट कैसे लें, पहली शुरुआत कहाँ से करें? इसके लिए DOP होना चाहिए आपके लिए बस, अच्छा, ठीक है, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आपको अच्छा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जाहिर है ये एक्सपीरियंस आपको तब आता है जब जो इस तरह शूट इस तरह करते रहेंगे, 1-2 खराब होंगे, 4-5 खराब होंगे, 6 खराब होंगे, लेकिन इस तरह करते रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात, यानी कि अगर किसी को नहीं आता काम तो उसको कोशिश जारी रखनी चाहिए, भले अपने ही शॉट करें, जरूरी नहीं है कि किसी और की, अपने ही शॉट करें, अपना ही जो है ना या फिर दोस्त यार वगैरह इस तरह के भले ऐसे ही शेर पे निकल जाए कैमरा वगैरह उठा लें और कर लें ये वो, तो इस तरह करते रहे इंशाल्लाह, सीखते सीखते आ जाए, कोई भी मार्केट से तो सीख के आता नहीं है। अच्छा करीम भाई, इसके अलावा जाहिर है आप तो कराची में होते हैं लेकिन बहुत से हमारे व्यूवर्स होंगे जो इंडिया से आपको देख रहे होंगे, बहुत से व्यूवर्स होंगे जो कराची के अलावा दूसरे शहर से देख रहे होंगे, तो क्या एडिटिंग की सर्विस भी हम दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है भाई, बार बार आपको मेरा नंबर आता है फॉर ऑनलाइन मिक्सिंग वगैरह के लिए, ठीक है, उसी पे ही आप रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन पैकेज दे देंगे हम वीडियो एडिटिंग का, आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी मुल्क में हैं, वहीं पर ही एक अच्छे से शॉर्ट्स बनाएं, ठीक है, शॉर्ट्स बनाने का अगर तरीका पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे, ठीक है।
आप शॉर्ट बनाएं, ठीक है, रिकॉर्ड करें, भेज दें, इंशाल्लाह एडिट हो जाएगी आपकी वीडियो प्रोफेशनल लेवल की। ये हमारा दूसरा कलाम स्टार्ट हो चुका है शूट। ये हमारा भी फर्स्ट टैग है जी जनाब। तो शॉर्ट्स जो है वो ले रहे हैं, मजीद एक और शॉर्ट समझ आया यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत अच्छी लोकेशन है जो है वो इस तरफ चेक करें। मुजम्मिल भाई क्या कहते हैं, इस तरफ शॉट अच्छा रहेगा? जी बस वही चेक कर रहे हैं अभी, फाइनल क्लोजअप यहाँ बेहतर रहेगा या क्या? यहाँ अभी वाइड एंगल से अभी लेंगे शॉट, वाइड एंगल से लेंगे। राज वाले आका मन में बसाऊं, तो से प्रीत लगाऊं, प्रीत लगाऊं, ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं। तो जनाब इसी के साथ ही आज का हमारा ये ब्लॉग एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जो है वो नया आपको सीखने को मिला होगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।